हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारे पास फेट ऑफ पाइरूवेट। फेट ऑफ पाइरूवेट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम ग्लाइकोलिसिस के बाद पढ़ रहे हैं। हमने जो कंप्लीट किया था, हमने देखा था कि कैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में, उसके बाद की हम डिटेल देखेंगे। तो फेट ऑफ पाइरूवेट को स्टार्ट करने से पहले जरा बेसिक में बात कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन की एल्डोज शुगर है, उसका हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था। उसके ऑक्सीडेशन को हमने ग्लाइकोलिसिस कहा था। ग्लाइकोलिसिस एक पार्शियल ऑक्सीडेशन था, इसका मतलब कोई सीओ टू इसमें नहीं बनी थी। इस पार्शियल ऑक्सीडेशन पे मेरे पास जो कंपाउंड बना था वो पाइरूविक एसिड था, या हम पाइरूवेट कह सकते हैं। फर्क ये होता है कि ये जो हमारे पास COH ग्रुप है, इसमें अगर H नहीं होगा तो पाइरूवेट बोलेंगे, नहीं तो इसे हम पाइरूविक एसिड बोलेंगे। पाइरूविक एसिड शुगर नहीं है, पाइरूविक एसिड शुगर नहीं है, ये 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बने थे जो कि 6 कार्बन था। अब हम ये देखेंगे कि इस पाइरूविक एसिड का क्या होगा, मींस इस पाइरूविक एसिड का आगे क्या होगा, कैसे ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, इसे हम समझेंगे, क्लियर। पर हमें ये समझ आना चाहिए कि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो मेरे पास क्या बनता है, CO2 बनता है। अगर इनकम्प्लीट होगी तो CO2 नहीं बनेगा। अब हम इस फेट को जानते हैं। देखिए, फेट ऑफ पाइरूवेट का मतलब है कि ये जो पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट बना है, इसका आगे क्या होगा। हमारे पास, हमें ये समझना है कि अगर मेरे पास ये सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, मींस ये सेल एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लियर, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। मींस यूकैरियोटिक सेल है और ऑक्सीजन अवेलेबल है, उस केस में पाइरूविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, क्लियर। तो वहां पर इसका एरोबिक फेट बोलते हैं इसे। तो हम ये देखेंगे कि पाइरूविक एसिड का हमारे पास 2 तरीके का फेट पॉसिबल है। वन इज एरोबिक, अनदर इज एनएरोबिक। तो जो पाइरूविक एसिड हमारे पास बना है, दिस पाइरूविक एसिड जो बना है, उसका 2 तरीके का फेट पॉसिबल है, क्लियर। अगर मेरे पास यूकैरियोटिक सेल है, अगर मेरे पास यूकैरियोटिक सेल है जिसमें पाइरूविक एसिड जो बना है वो किसके अंदर एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज नोन एज एरोबिक फेट। मींस दिस पाइरूविक एसिड एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड फर्दर ऑक्सीडेशन अकर इन मैट्रिक्स, क्लियर। तो दिस इज नोन एज एरोबिक फेट, इसे हम एरोबिक फेट कहेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि पाइरूविक एसिड का हमारे पास एनएरोबिक फेट भी हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है कि अगर हमारे पास, इफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट, इफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में नहीं है, इफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट, ऐसा कहां हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट, ऐसा हमारे पास कहां हो सकता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ऐसा तो प्रोकैरियोटिक सेल में हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से सोचें, क्या कोई यूकैरियोटिक सेल है जहां पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ऐसा कोई यूकैरियोटिक सेल हमारे पास है, बिल्कुल है, दैट इज आरबीसी। आरबीसी जो है उसमें पाइरूवेट का एनएरोबिक फेट होगा। आप ध्यान से सोचें, आरबीसी एक ऐसी ऑर्गेनल है, जिस ऐसा सेल है जिसका नैनोमीटर एनसीईआरटी में 7 नैनोमीटर लिखा है सेल वाले चैप्टर में। तो आरबीसी में एक्चुअल में क्या है, कोई ऑर्गेनल नहीं है, क्लियर, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ईआर नहीं है, तो पर वह ग्लाइकोलिसिस होती है। तो जो ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास पाइरूविक एसिड बनता है, उसका हमारे पास एनएरोबिक फेट होता है। तो ऐसे सेल्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वहां पर हम पाइरूवेट का एनएरोबिक फेट कहते हैं, क्लियर। एक ऑप्शन और है हमारे पास कि पाइरूविक एसिड का उन सेल्स में क्या होगा जहां पर लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई है, जैसे कि मसल की ऑक्सीजन सप्लाई मतलब मेनली कम पड़ता है उसे, तो लिमिटेड O2 सप्लाई में हम उसका क्या करेंगे वो हम देखेंगे। उस केस में पाइरूविक एसिड को हम कन्वर्ट कर पाते हैं लैक्टिक एसिड में,
और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, वो आगे देखेंगे। और अभी के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि पाइरुविक एसिड का एरोबिक फेट कैसे होगा। तो चलिए बात करते हैं, पाइरुविक एसिड के एरोबिक फेट पे। तो हम देख रहे हैं पाइरुविक एसिड का एरोबिक फेट, एरोबिक फेट ऑफ पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, सेम चीज हमने एच को लेकर बताया था। अब देखिए, हमने ये बोला कि जो पाइरुविक एसिड है वो बनता कहां पर है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से साइटोप्लाज्म में मेरे पास तीन कार्बन का पाइरुविक एसिड बना। पाइरुविक एसिड एक तीन कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, ये शुगर नहीं है, ये एसिड है। ये एसिड एक ऑर्गेनल में एंटर करता है जिसका नाम हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इस ऑर्गेनल में एंटर करेगा, जिसका नाम हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पाइरुविक एसिड इस ऑर्गेनल जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया यहां एंटर करेगा। तो पाइरुविक एसिड यहां एंटर कर गया। पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद, इसका होगा लिंक रिएक्शन, मींस इसका एक एक स्टेप हम करते हैं जिसे हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मींस CO2 निकलेगी और साथ में ऑक्सीडेशन भी होगी। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, जिसे लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद जो भी कंपाउंड बनता है, नॉर्मली बनता है हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एंटर करता है किसमें, क्रैब साइकिल में। तो आपको समझ आना चाहिए इसके बाद का ऑक्सीडेशन पाइरुवेट का कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस ऑक्सीडेशन में समहाउ मुझे किसकी नीड है, ऑक्सीजन की, इसीलिए हम इसे एरोबिक फेट कह रहे हैं। क्लियर? तो ये कैसे होगा इसको जरा देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुविक एसिड का क्या होगा इसकी डिटेल जानते हैं हम। देखिए ध्यान से, पाइरुविक एसिड जिसका स्ट्रक्चर ये है, जिसका स्ट्रक्चर तीन कार्बन का कीटो एसिड है, ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया। तो मैं लिख देता हूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, इस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है। क्लियर? इससे हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक स्टेप करते हैं जिसे हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली CO2 रिमूव करते हैं। इसके साथ हम क्या करते हैं, NAD plus का रिडक्शन करके NADH बनाते हैं। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो अगर CO2 निकला तो हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन हुआ, नाउ दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेप। अगर ऑक्सीडेशन हुआ दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेप, तो हम इसको कंबाइन नाम देंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। उससे हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जो एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव होगा, जिसे हम नाम देंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर? जिसमें सल्फर होता है तो हम नाम देंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम दो कार्बन का होगा। इसका मीनिंग ये हुआ, पाइरुवेट की तीन कार्बन में से एक CO2 निकल गया। क्लियर? एक CO2 डीकार्बोक्सिलेशन में निकल गया और फाइनली मेरे पास दो कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। अब इस रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं, कैसे हुआ होगा। अब देखिए, आप क्या करिए, इसमें से CO2 निकालिए सबसे पहले। अगर आप CO2 निकालेंगे तो वो COH ग्रुप से जाएगा। इसके बाद जो आपके पास आएगा, इसे हम कहेंगे एसिटल्डिहाइड। अब ये सिंपल एसिटल्डिहाइड नहीं बनता, इसके साथ इस एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करिए। तो यदि आप इस कार्बन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास जो आएगा वो बेसिकली आ जाता है एसिटिक एसिड। क्या आ गया हमारे पास, एसिटिक एसिड आ गया। किसकी ऑक्सीडेशन करी मैंने, एसिटल्डिहाइड की। अब जो ये एसिटिक एसिड आया है, इस एसिटिक एसिड को आप क्या करो, इस पे आप कोएंजाइम ए जोड़ो। तो कोएंजाइम ए एक कंपाउंड होता है जिसपे सल्फर होता है। कोएंजाइम ए क्या क्यों जोड़ रहे हैं, हम ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हमने क्या करी है, पहले डीकार्बोक्सिलेशन करी है। क्लियर? उसके बाद मैंने क्या करी है, इस स्टेप में ऑक्सीडेशन करी है। इस स्टेप में क्या करी है, ऑक्सीडेशन करी है। ऑक्सीडेशन करते वक्त मैंने NAD+ से
NADH बनाया है, NAD प्लस से NADH मैंने बनाया है। अब ये जो ऑक्सीडेशन हुई है उसमें मेरे पास NADH बना। अब एक चीज समझिए, उस ऑक्सीडेशन से यहां पर COH ग्रुप आ गया। आपको ये समझना है कि ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि मैंने टेम्पररी कोएंजाइम ए इसके साथ जोड़ दिया और एसिटिक एसिड से कंपाउंड डिराइव हुआ जिसका नाम था एसिटाइल कोएंजाइम ए। जैसे ऐसे मिथाइल मीथेन से मिथेल बनाते हैं, ऐसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए, मतलब ये कंपाउंड कोएंजाइम ए यहां आके जुड़ गया और उस कंपाउंड को हम नाम दे रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, विच इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन, बिकॉज दिस इज लिंक रिएक्शन। तो ये एक तरीके का लिंक रिएक्शन है जो दो रिएक्शंस को जोड़ेगा। कौन से दो रिएक्शंस को जोड़ेगा? ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल को। अब ध्यान से समझिए, ये आपके पास ये बन गया, तो इसका मतलब ये काम कहां पर हो रहा है? ये काम आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो अगर मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं, तो मेरे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है यहां पर, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म था। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से मेरे पास पाइरुवेट बना था। तो जो पाइरुवेट बना, ये पाइरुवेट एंटर किया इसमें, तो दिस पाइरुवेट मेरे पास यहां एंटर किया। मैंने इस पाइरुवेट के साथ क्या करी? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मींस CO2 निकाला जो बाहर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, क्लियर। और इस स्टेप में मेरे पास NAD प्लस से NADH बना, क्लियर, NADH बना, ठीक है, क्लियर। और फाइनली जो कंपाउंड बना उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये एंटर करेगा किसमें? ये एंटर करेगा किसमें? क्रैब साइकिल में। ये एंटर करेगा क्रैब साइकिल में और वहां पर जाकर फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। अगर आपको समझ आए ये बात, मेरे पास जो तीन कार्बन थी, मेरे पास जो पाइरुविक एसिड की तीन कार्बन थी, उसमें से मेरे पास एक कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गई, CO2 की फॉर्म में बाहर आ गई। आपके पास एक ग्लूकोज से दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ग्लूकोज से आपके पास दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि फाइनली एक ग्लूकोज से दो एसिटाइल कोए बनेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि लिंक रिएक्शन में अगर मेरे पास दो पाइरुविक एसिड गए हैं तो मेरे पास दो क्या बनेंगे? एसिटाइल कोए बनेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज की सिक्स कार्बन में थी उनमें से दो कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। रिएक्शन यहां से डबल लिखूंगा, क्लियर। और इसे हम लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज लिंक बिटवीन दिस ग्लाइकोलिसिस एंड दिस क्रैब साइकिल। इस ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के बीच का लिंक है, इसलिए हम इसे लिंक रिएक्शन कहते हैं। और ये क्रैब साइकिल है जिसमें ये दो कार्बन एंटर करेगी एसिटाइल कोए की और उसका भी CO2 बन के बाहर। इसका मतलब जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के सिक्स कार्बन थे, दे गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया। छह की छह कार्बन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज हुई है, पूरी छह कार्बन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज हुई है। उसमें से दो ऑक्सीडाइज हुई है किसमें? लिंक रिएक्शन में। और चार ऑक्सीडाइज हुई है मेरे पास किसमें? फोर ऑक्सीडाइज हुई है किसमें? मेरे पास क्रैब साइकिल में। इसका मतलब दो कार्बन का ऑक्सीडेशन लिंक रिएक्शन में हुआ है और जो बाकी है हमारे पास चार कार्बन ग्लूकोज की क्रैब साइकिल में ऑक्सीडाइज हुई है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है, इस रिएक्शन को कराने के लिए पाइरुविक एसिड से इस रिएक्शन को कराने के लिए हमारे पास, मतलब एसिटाइल कोए बनाने के लिए हमारे पास जो चाहिए एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है, देखिए इस रिएक्शन में CO2 बन रहा है और साथ में NAD प्लस से NADH बन रहा है। जब भी NADH या NADPH इन्वॉल्व होता है, हम एंजाइम का नाम रखते हैं डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका पूरा नाम आ जाएगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये हमारे पास एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। मल्टी सब यूनिट का मतलब होता है इसमें एक से ज्यादा प्रोटीन की सब यूनिट्स होती हैं। इस एंजाइम को काफी सारे कोएंजाइम की नीड पड़ती है। नाउ व्हाट आर कोएंजाइम? दे आर डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स।
तो यहां पर कौन कौन से कोएंजाइम यूज होंगे? सबसे पहला तो हमने लिखा हुआ है NAD+, एक ये कोएंजाइम यूज होगा। इसके अलावा हमारे पास जो यूज होगा दैट इज बेसिकली मैग्नीशियम Mg+2, इसे हम कहेंगे कोफैक्टर। इसके अलावा कुछ नाम और हैं, एक है TPP। देखिए हमारे पास एक विटामिन होता है थायमिन, तो इसे हम उससे कोएंजाइम बनाया जिसका नाम है थायमिन पाइरोफॉस्फेट। पाइरो का मतलब होता है दो फॉस्फेट, तो पाइरोफॉस्फेट, थायमिन पाइरोफॉस्फेट एक कोएंजाइम है जो यहां लगेगा। इसके अलावा लिपोइक एसिड, तो इन कोएंजाइम के नाम याद करने हैं जो किसकी हेल्प करेंगे, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की, जो कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड होगा। क्लियर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड होगा। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, इसीलिए इसे हम नाम देंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और इसके बाद मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एसिटाइल कोए होगा, जो बेसिकली किसमें एंटर करेगा जाकर, क्रैब साइकिल में, और वहां वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, वहां वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। तो ये हमने बेसिकली लिंक रिएक्शन पढ़ा जो एक तरीके से एरोबिक फेट है किसका, पाइरुवेट का। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये देखते हैं कि क्रैब साइकिल में ये आगे फर्दर कैसे ऑक्सीडाइज होता है हमारे पास एसिटाइल कोए। तो आप इस लेक्चर को कम से कम दो बार देखें, इसके नोट्स बनाएं और एनसीईआरटीज में से वो लाइनें पढ़े जिसमें ये कह रहा है कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। इस लाइन को समझने की कोशिश करें और कोशिश करें वीडियो को शेयर करने का। ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं और स्टार्ट करेंगे क्रैब साइकिल से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर।